ऐसा ही होता है मंडे फोर। एंड एक कांड हो चुका है मेरे साथ। मेरे 500 रुपए का ये ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल ही वेस्ट गया। हाय माय लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस दिस ब्यूटीफुल इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक विथ यू। सो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। Okay, before starting a makeup, skin prep is a very important step into a makeup routine. आपने चाहे कितने भी अच्छे मेकअप प्रोडक्ट क्यों ना यूज़ किए हो, कितने अच्छे से आपने क्यों ना मेकअप किया हो, बट आपने अगर अपनी स्किन अच्छे से प्रेप नहीं की तो एंड रिजल्ट आपका फाउंडेशन केकी लगेगा, आपका कंसीलर क्रैक करेगा एंड आपका पूरा फेस केकी लगने लगेगा। तो वो सारी ही चीज़ें अवॉइड करने के लिए डू योर स्किन प्रेप। फॉर माई स्किन मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। Then I am using this Biotic का Bio Coconut Moisturizing Cream. I am a very dry skin, like Sahara Desert of dry skin. तो मुझे thick moisturizer पसंद है in the winters. I am applying generous amount of this moisturizer and then उसके बाद मैं अच्छे से एक या दो मिनट तक अच्छे से मसाज करूँगी ताकि मेरा moisturizer अच्छे से मेरी skin में चला जाए. Okay, skincare is done. Now moving to the makeup part. फर्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग अ प्राइमर। फॉर द प्राइमर आई एम यूजिंग लाइक माई एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर। इतना सा प्राइमर मैं लूंगी एंड इसमें पीच कलर का पिगमेंट है तो वो मेरे स्किन को करेक्ट करने में भी हेल्प करेगा एंड ये मेरे पोर्स को बहुत ही ज्यादा यू नो अच्छे से ब्लर आउट कर देता है। मैंने यहाँ पे ये प्राइमर अप्लाई किया हुआ है एंड यहाँ पे नहीं अप्लाई किया हुआ है एंड यू कैन गाइस क्लियरली सी कि कितना डिफरेंस दिख रहा है ये वाला प्राइमर यूज़ करने के बाद। अगर आपके ओपन पोर्स है एंड यू फाइंड अ नाइस गुड इन बजट प्राइमर तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो फोर कलर करेक्टिंग आई एम यूजिंग इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट। यहाँ मुझे डार्क स्पॉट है वहीं अब मैं ऑरेंज कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी एंड मैं ये पीच कलर का कलर करेक्टिंग ले रही हूँ फॉर माय अंडर आई। फॉर द फाउंडेशन आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। आई मीन अ शेड इज सॉफ्ट बेज। बस इतना सा ही मैंने लिया है अपने पूरे फेस के लिए। नाउ विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर मैं पूरा फैला लूंगी अपने फेस पे। ओके, हियर इज अ कांड। ओके, एंड एक कांड हो चुका है मेरे साथ। मैंने ये वाला जो ब्यूटी ब्लेंडर है माइक्रोफाइबर ब्यूटी ब्लेंडर मैंने मंगवाया था अमेजोन से एंड ट्रस्ट मी गाइज ये मैंने सिर्फ एक ही बार यूज किया है। मैंने क्या गलती कर दी, इसे मैंने यूज़ किया एंड उसके बाद इसे मैंने वॉश करके रख दिया एंड इसके साथ जो इसकी प्लास्टिक की पैकेजिंग आई थी ना तो उसमें ही डाल के मैंने रख दिया। मुझे लगा कि ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है एंड मैंने उसे रख दिया। ओके, दैन मैं दो दिन के बाद देखती हूँ तो ये पूरा चिपक चुका था प्लास्टिक के पैकेजिंग के साथ एंड मेरे 500 रुपये का ये ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल ही वेस्ट गया। अगर आप माइक्रोफाइबर ब्यूटी ब्लेंडर मंगवाते हो तो मेरे जैसी गलती बिल्कुल ही मत करना। दिस ब्यूटी ब्लेंडर वर्क सो अमेजिंगली। आप अगर कोई अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर ढूंढ रहे हो तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से आपके फाउंडेशन कंसीलर को ब्लेंड कर देगा। फॉर द कंसीलर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। आई एम इन अ शेड 03 मोएन। ओके, आई एम डन विथ माई कंसीलर। कंसीलर को सेट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी लूज पाउडर। आई एम इन अ शेड 15 लाइट। फॉर माई आईब्रो आई एम यूजिंग दिस एट्यूड हाउस का ड्रॉइंग आईब्रो पेंसिल। आई एम इन अ शेड 01 डार्क ब्राउन। ओके,
Okay guys, let's move on to the eyes. First of all, I'm using this eyeshadow color जो मेरे skin tone से बहुत अच्छे से match करता है and I'm applying all over my eyelid and मैं ये Nika K का sugar plum eyeshadow palette ले रही हूँ and उसमें से मैं ये वाला pink जो shade है वो थोड़ा सा color ले रही हूँ and I'm applying this above my crease area. Now I am taking this dark purple shade, dip my crease थोड़ा सा and मैं big fluffy brush use कर रही हूँ and ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने crease area पे ही apply करूँगी, उसके ऊपर बिल्कुल ही नहीं जाऊँगी. I am placing this color into my crease, plum shade purple का and मैं इसे अपने outer V area पे apply करूँगी. Now I'm taking this flat fluffy brush and मैं ये pink shimmer shade apply करूँगी in my inner third and it looks so beautiful. Look at this, कितना अच्छे से apply हो रहा है. एंड मैं ये शैम्पियन काइंड ऑफ शिमर शेड ले रही हूँ. मैं अपने इनर कॉर्नर पे ये शेड अप्लाई करूँगी. आई एम यूजिंग नायका का लाइट लॉन्ग लेंथनिंग मस्करा. फॉर द ब्रॉन्ज ऑफ माई फेस आई एम यूजिंग सुगर कॉस्मेटिक का कॉन्टोर मिनी ब्रॉन्जर इन अ शेड 01 टोपर. फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का फिट मी ब्लश एंड इन अ शेड रोजी न्यूड. फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस मसाबा बाई नायका की लिपस्टिक इन अ शेड बर्ज किल. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मोव पिंक काइंड ऑफ लिपस्टिक. वेट एंड वर्ल्ड का मिनी आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें जो ये वाला पिंक शेड है वो मैं अपने एज अ हाईलाइटर मैं यूज़ करूँगी बिकॉज मुझे गोल्डन हाईलाइटर बिल्कुल ही लगाने का मन नहीं कर रहा है एंड ये लुक के साथ वो जाएगा भी नहीं अच्छे से. Okay guys, that's it for today's video. I really hope you enjoyed this makeup look and आपको ये makeup look अच्छा लगा होगा. As a subscribe to my channel, hit the notification bell ताकि जब भी मैं video post करूँ आपको उसकी notification मिल जाए. And also follow me on my Instagram. We meet in a next video. Till then, bye.